साथियों नमस्कार। आज राजस्थान पैरामेडिकल स्टूडेंट यूनियन पूरी तरह से सतर्क है और आज आरपीएसयू के दबाव में आरपीएमसी शनिवार को वैसे बंद रहती है लेकिन आज शनिवार है और शनिवार को भी राजस्थान पैरामेडिकल स्टूडेंट यूनियन आरपीएसयू दबाव लगा करके आज कार्यालय ओपन हुआ है और आज संभवतः एग्ज़ाम डेट निकाली जाएगी और अभी फ़िलहाल कुछ ही देर में आप लोगों के सामने एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। मैं आप लोग सब लोगों को जैसे मैंने कहा था कि 15 से एग्ज़ाम चालू होंगे और 25 फरवरी तक एग्ज़ाम समाप्त भी हो जाएंगे। जैसा कि हमने कहा था कि आरपीएसयू का मकसद है आरपीएमसी में सही बात का समर्थन करना और गलत बात का विरोध करना। जैसा कि कहा गया है अभी सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि बहुत ही जल्द आपका जो टाइम टेबल है साइट पर होगा। आरपीएसयू से लोग पूछते हैं कि आपने क्या काम किया, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमने जो काम किया है उसका हमारे पास फाइल वर्क है, हमारे पास देखिए हमने क्या काम किया है। हमने जो कमिटमेंट किया था 15 फरवरी से एग्ज़ाम करवाने का उस पर हम अमल करते हुए हमने बिल्कुल रेगुलरली हम रातों दिन हमने नहीं देखे और हमने रेगुलरली इस काम को किया है। एग्ज़ाम सफल होंगे 2015 वाले विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों हम लोग किसी का अहित नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आरयूएचएस के जो विद्यार्थी हैं 2015 2016 और 2017 ये सभी बैच वैकेंसी में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे आरपीएमसी के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। 2015 के बाद की सभी बैचेज वैकेंसी से बिल्कुल रहित थे और आज 2016 में भी के बच्चों को तैयार किया जा रहा है ताकि वो वैकेंसी में शामिल हो सकें, ये एग्ज़ाम फटाफट हो, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। भगवान ने चाहा और ईश्वर की इच्छा रही तो ये एग्ज़ाम बहुत ही जल्द अभी एग्ज़ाम टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा। रजिस्ट्रार साहब से और अंदर सभी एग्ज़ाम कंट्रोल साहब वगैरह से सभी से सार्थक वार्ता हुई है और वार्ता के अनुसार ये अमल हुआ है कि बच्चों की वैकेंसी ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम बहुत जल्दी करवाए जाएंगे। जैसा कि कहा गया था हम सब लोगों की आपका जो कार्यक्रम है वो कितने दिन चलने वाला है, आरपीएमसी कितने दिन तक बना रहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरपीएमसी के प्रथम रजिस्ट्रेशन मतलब प्रथम स्टूडेंट से लेकर अंतिम स्टूडेंट तक आरपीएसयू लड़ेगा, उसके सर्वार्थ हित के लिए लड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अलवर से आए हैं, जितने भी बच्चे आए हैं झुंझुनू सीकर बाड़मेर गंगानगर बाकी जहाँ से भी आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आरपीएमसी में कुछ भी गलत कार्य होगा तो आरपीएसयू उसका विरोध करेगा और आरपीएमसी जो अच्छे कार्य होंगे उनका वो समर्थन करेगा। आरपीएसयू किसी दबाव में काम नहीं करेगा, इसका मैं आप लोगों को पूरा इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। आरपीएसयू के कारण जो आज हुआ है वो आज तक ना तो किसी ने किया है और ना कभी होगा। ये कार्यक्रम जो किया है किसी ने, मैंने नहीं किया। इस कार्यक्रम में जो आरपीएसयू टीम में आप लोगों को आज अवगत करवाना चाहता हूँ कि आरपीएसयू टीम हमारे साथ भवानी शंकर जी, मुकेश जी और जो है हमारे क्या नाम कृष्णकांत जी, केशव जी, हमारे राजेश जी, मनोज जी, देवांश, देवेश, ये सभी छात्रों ने हमारे साथ बहुत काम किया है। विनोद जी को हम कैसे भूल सकते हैं, विनोद जी ने बहुत काम किया। आरपीयूसी में जिन लोगों ने काम किया है वो बहुत सार्थक काम होंगे। मनोज जी ने बहुत सार्थक काम किया है। सरफराज पठान को हम कैसे भूल सकते हैं, तो इन लोगों के जो कार्य किए हैं आरपीयूसी में इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आगे भी आप लोगों के साथ में इतनी अच्छी वार्ताएँ की जाएंगी, अच्छे कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे कि आज राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में जो टेक्नीशियन हो वो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हो, उनके साथ कोई अत्याचार अनाचार ना हो, इसके लिए हम बिल्कुल जैसे हमें पता लगा कि 15 फरवरी से एग्ज़ाम नहीं है, रजिस्ट्रार साहब से हमारे थोड़े दिनों पहले बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 15 से एग्ज़ाम है, उसके बाद किसी कारणवश कह दिया गया कि स्टाफ की कमी तो एग्ज़ाम नहीं हो सकते। हमने तुरंत आरपीएसयू दिन रात आरपीएमसी के पास में डेरा डाले रहा और हम दिन रात यहाँ पर कार्य करते रहे। लोग ग्रुप से पूछते रहे क्या किया तुमने, क्या नहीं किया, तो हम लोग ग्रुप्स में नहीं बताएंगे, हम लोग ग्रुप्स में नहीं बताएंगे जब तक हमें पता नहीं हो, क्योंकि हमारी बातें लीक हुई ग्रुप्स के माध्यम से और लीक होने से हमें नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन हमने नुकसान की भरपाई के लिए हमने दिन रात काम किया और 15 फरवरी से 25 फरवरी बीच में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। बच्चों एग्ज़ाम में गैप रहे इसके लिए भी हमने आपको आश्वस्त कर दिया है, एग्ज़ाम्स में गैप भी रहेंगे, 25 तक आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे। और जय हिंद जय भारत। और बच्चों अगर थोड़ी सी भी हमारे लिए अगर थोड़ी सी भी आपके लिए हमारे काम के प्रति श्रद्धा हो थोड़े से, तो आप प्लीज़ ग्रुप्स में आरपीएसयू जिंदाबाद कहकर हमारा समर्थन करें। आरपीएसयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, वंदे मातरम।